दोनों का सेम प्रॉब्लम, लाइक एक का पाँव में तो एक का हाथ में। अपना तो भाई डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई लाइन देखो यार, मतलब काफी भयानक लाइन है। कैल्शियम हड्डी मजबूत हो रहा है गाइस अपना, तो कैल्शियम वैल्शियम खाएंगे, हड्डी मजबूत करवाएंगे और फिर तोड़ेंगे गाइस। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आज अपने को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है गाइस, क्योंकि अपना ये राइट हैंड दिख रहा है, इसमें गाइज काफी ज्यादा पेन है, प्लस थोड़ा बहुत अपने को प्रॉब्लम आ चुका है। इसी कारण से अपना कड़ा भी खोल चुके गाइज, जो मैं पहनता हूँ ना वो वाला कड़ा भी खोल चुका हूँ। सो गाइज, सीन कुछ ऐसा है ना कि अपन लोग परसों वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, कल वाला वीडियो, जो कि मैं बिहार शरीफ से बख्तियारपुर नहाने के लिए गया था। आते वक्त भाई कुछ ऐसा बोलते हैं ना, हलकट लोग बोलते हैं, वही मिल गया। तो भाई वो टोटल चार या पांच भाई, तीन भाई था और फिर और भी फैमिली वैमिली थे उसके। तो वो भाई किसी, मतलब बोलते ना सीनियर सिटीजन से लड़के भाई, उसको ऐसा वैसा बात बोला ना जो कि बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि यार सीनियर सिटीजन ऑलवेज रिस्पेक्ट करना चाहिए गाइस सबसे पहले। प्लस जिसको देखो खड़ा होने लायक नहीं रहे उन्हें सीट दे दिया करो यार, बट वो ऐसा नहीं कर रहा था। उसको और भी गंदा गंदा एब्यूजिव वर्ड, मतलब बोल सकते हो गाली वाली दे रहा था, प्लस बोल रहा था भाई उसको फेंक देंगे उठा के, ऐसा वैसा बोल रहा था। और वो उसका एज बोलो ना, जो लड़ाई कर रहा था ना उसका एज बोलो, तो मान लो मेरे इतना, मेरे से बड़ा, 30 के आसपास वो सब होगा, 30-35 के आसपास, मेरे से बहुत बड़ा था वो लोग। वो लोग ऐसा बोल रहा था, उसके बाद मेरे से झगड़ा कर लिया भाई, मेरा पाँव पे चढ़ गया। मैंने बोला यार पाँव पे चढ़ा, तो उसने गाली वाली देने लगा, मतलब मेरे से लड़ाई पढ़ाई कर लिया। हरनौत के आसपास ऐसा हुआ, मैं तो शांत रहा भाई, मेरा यह सूल है अगर तुम मेरे को एक करोगे ना मैं तुमको 10 करूंगा भाई, सिंपल सा। एक थप्पड़ मारोगे ना तो मैं 10 थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि मैं तो गांधी जी कोई हूं नहीं कि तुम मुझे मारोगे हम देखते रहेंगे। तो सिंपल सा बात है भाई, उसने मेरे को थक्का दिया, उस टाइम सारे लोग छुड़ा दिए। लेकिन जैसे ही बिहार शरीफ आया ना भाई, इतना मारा उसको, सोच नहीं सकते हो, मारा ना सोच नहीं सकते। आप लोग भी यही बोलेंगे आज, अगर कोई आपको टच कर रहा है ना, अगर ना छेड़ रहा है तो भाई छेड़ो ही नहीं, अगर छेड़ दिया ना तो उसको छोड़ो मत भाई, जितना हो सके ना उतना मारो साले को, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। उसको तो भाई इतना मारे ना उसका माथा फट गया, प्लस मेरा एक पंच मारे ना वो गाइज एक लोहा वाला जो रट होता है ना उस पे जाके लग गया यहाँ पे एकदम। तो उस टाइम से बहुत, उस टाइम तो उतना नहीं पता चला, बट घर आए ना तो घर में बहुत ज्यादा डांट सुने, प्लस बहुत ज्यादा पेन हुआ गाइज, अभी भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो अपन लोग सोच रहे हैं क्या डॉक्टर से दिखवा ले, क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा है, हेवी वाला पेन है, अब रेड से लगना मतलब समझ सकते हो। और उसका क्या, वो तो भाई मेरे को बोल रहा था ना पाँव पे चढ़ा, तो वो क्या बोलता है भाई तुम्हारा पाँव से ब्लड आ रहा ना, ट्रीटमेंट करवा देंगे, ट्रीटमेंट करवा देंगे, ऐसा कुछ बोल रहा था। बोले चलो ठीक है भाई ट्रीटमेंट करवा दोगे ना, उससे पहले तुम्हारे यहाँ ट्रीटमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। तो उसको तो कहानी खत्म कर देगा आज, बट अपना भी कलाई में हो गया पेन, तो जैसे कुछ ऐसा मेरे को मिल गया। तो अभी सोच रहे यार यहाँ से अपन लोग हॉस्पिटल जाए, बट आज अपन लोग सोच रहे हैं ना भाई, मतलब फ्री का ट्रीटमेंट करवाएं, पेन है ज़्यादा, वैसा भी नहीं है कि हाँ हड्डी वड्डी टूटा, क्योंकि अगर हड्डी टूटती ना तो फूल जाता गाइस, सूजन हो जाता, बट ऐसा सूजन टाइप का नहीं लग रहा है कुछ भी, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी अपन लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, बट अपन लोग सोच रहे हैं ना, राय लिए जो भी है, एक दो दोस्त उन लोग से बोले, तो बोल रहे यार सदर अस्पताल चले जाओ बेस्ट है। तो मैं भी सोचा यार चलो सरकारी पे दिखवा लेते कैसा होता, प्लस फ्री का यार, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होता ना 2-5 रुपया जो भी होता है वही रजिस्ट्रेशन चार्ज, बाकी के सारा कुछ फ्री है, एक्स रे E2Z का सारा कुछ फ्री है। तो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल जाएं। तो फटाक से अभी कपड़ा तो पहन चुके हैं, बाइक निकलवाते हैं किसी से, राहुल राहुल रेडी हो जाएगा, उसी को लेके चलते हैं, क्योंकि मंडू को तो काम होगा, प्लस राहुल को दिखाना भी है। तो अभी आराम से राहुल को बुलाते हैं, बाइक निकालते हैं और फिर डायरेक्ट निकलते हैं गाइज सदर हॉस्पिटल। तो वीडियो में बने रहना गाइज, वीडियो को देखना यार, और फिर जानबूझ के किसी से लड़ाई मत लेना गाइज, किसी से भी नहीं, क्योंकि अगर कोई छेड़े तभी तुम छेड़ना, वरना कुछ नहीं। अगर छेड़ दिया ना तो भाई उसको छोड़ना नहीं, और अगर नहीं छेड़ा तो उसको छेड़ने का कोशिश भी मत करना। एक मारे 10 मारना, बस ये सूल याद रखना गाइज, एक मारे तो तुम 10 मारना, अगर वो 10 मार रहा है तुमको कुछ नहीं हो रहा है, तुम एक मारो, लेकिन उसको ऐसा मारो ना उठ ना पाए।
तो ये गाइस कोई ऐसा नहीं कि हाँ मतलब किसी को भड़का रहे हैं, ऐसा वैसा मत सोचना। बस ये अपना सूल है गाइस, जो मेरा सूल है और किसी का सूल नहीं होगा, अपना ये सूल है। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं डॉक्टर के पास, फिर वहां पे मिलते हैं गाइस डायरेक्ट सदर अस्पताल में। तो फाइनली गाइस अभी अपन लोग जस्ट हॉस्पिटल से थोड़ा सा पहले, सदर अस्पताल से पहले, ये वाली रोड में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि ये यहाँ से अपन लोग हॉस्पिटल मोड़ से डायरेक्ट पहाड़ पे जाते हैं गाइस। देख रहे हो पीछे की साइड पहाड़ है उधर ही, और फिर ये उसका छोटा मोटा सा मार्केट है। तो अपन लोग पहले इधर से भी जाते थे पहाड़ पे, सुबह सुबह रनिंग करते हुए जाते थे, या फिर कभी घूमने के लिए जाते थे तो इधर से ही जाते थे। देखो इधर का भी शॉप गाइस, रोड इधर भी है अच्छा है। और फिर यहाँ पे पहले डीएम कोर्ट भी पड़ती है, उसके बाजू में सुभाष पार्क, और फिर सुभाष पार्क के जस्ट सामने गाइस अपना सदर अस्पताल, और फिर ये क्या है मेरे को पता नहीं। पहले यहाँ पे ना अपन लोग ऐसे ही मतलब खेलने कूदने के लिए आते थे, और ये फिर है पावर ग्रिड गाइस, पहाड़ी पर का ये पावर ग्रिड है। और फिर ये देखो इसमें अपन लोग पहले ऐसे ही मतलब बैट बॉल ऐसे ही मजे से खेलते थे, ये सब कुछ नहीं था पहले, बट बन चुका है यार, सारा कुछ बन चुका है। इधर देखो ये सब पहले से ही था अपार्टमेंट कोई चीज़ का, शायद बिजली विभाग वालों का, या फिर पता नहीं किसका है, बट वही है। और फिर आगे डीएम कोटरी और सुभाष पार्क। तो गाइस इससे आगे वाली वो गली है ना, वहाँ से डीएम कोटरी स्टार्ट होती है, और फिर जस्ट अपोजिट में सदर अस्पताल। और फिर ये देखो गाइस कैमरा ऊपर, ये देखो इधर डीएम कोटरी, इधर डीएम का वास, और फिर और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आईएएस, ये सब पता नहीं क्या, वही सब लोग रहते हैं जिला अधिकारी, वो तो डीएम होते ना। और फिर ये अपना सदर अस्पताल गाइस। तो अभी यहाँ से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि भाई मतलब हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन है यार, तो एक्सरे वैक्सरे करवाएंगे और फिर देखते हैं। सदर लव अस्पताल, भाई क्या बात है, सदर प्यारा अस्पताल। तो अभी यहाँ पे बाइक पार्किंग करेंगे भाई, उधर छोरा में लगा देना बाइक। भाई यहाँ पे पंजीकरण, दवा वितरण केंद्र, यहाँ पे दवा भी मिलता है। तो यहाँ पहले बात कुछ होगा भाई, लाइन देख रहा हूँ कितना, मतलब फ्री वालों में भाई होती है, प्लस फैसिलिटी भी अच्छा कर दिया, पहले कोई फैसिलिटी नहीं था, अभी फैसिलिटी देखो देख रहे। तो ये फैसिलिटी है यहाँ का भी, पहले अपने को 2 रुपया में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, महिला का इधर जेंट्स का इधर। तो चलते हैं 2 रुपया देके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पहले। तो फाइनली गाइस अपना ये कुछ हो गया, लाइक आनंद रोशन 23 इयर्स, और फिर ये देखो ये राहुल का है, दोनों का सेम प्रॉब्लम है, मेरा कलाई का और फिर इसका पाँव का है। तो अभी अपने को 29 नंबर ना, तो 29 नंबर रूम पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस किधर है 29 नंबर रूम। दोनों का सेम प्रॉब्लम, लाइक एक का पाँव में तो एक का हाथ में, अपना तो भाई डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि कल का फाइट समझ ही सकते हो। तो इसी कारण से अपन लोग आए, अभी पहले जल्दी से जाते हैं गाइस। टी शर्ट भी वही है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला यार चेंज करने में, बनता ही नहीं, हाथ ज़्यादा अच्छा से काम नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा पेन है यार वहाँ पर। तो कोई ना, अभी बस जल्दी से चलते हैं, दिखाते हैं फ्री का। रजिस्ट्रेशन में 3 रुपीज लगी गाइस, 3 रुपया, 2 रुपया लिखा हुआ है लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया, 3 रुपया। चलो कोई ना, शायद वो लेडीज़ का होगा, हम लोग का जेंट्स का 3 रुपया होगा। तो बस जल्दी से चलते हैं 29 नंबर रूम। तो इधर भी यार शिशु वाला ये है शायद, हाँ शिशु वाहन विभाग 29 नंबर है शायद। इधर से एंट्री ओपीडी, ये 9 नंबर है, वो 10 नंबर शायद उधर होगा, और 28 ये इधर है राहुल लगता है, ये 28 है और ये फिर 29 है शायद, 26 27, वो वाली 29 है, वो ये वाला। सो गाइस ये 29 नंबर रूम, हमको भी ये 29 नंबर, अभी इसमें चलते हैं पहले अंदर गाइस। भाई लाइन देखो यार, मतलब काफी भयानक लाइन है। इतने नंबर बाद अपना नंबर आएगा, हम दोनों का नंबर राहुल तो कितना नंबर है वहाँ पे, चिकित्सा कक्ष वहाँ पे डॉक्टर बैठता है भाई, इतना नंबर बाद अपना नंबर है। चलो कोई ना, वेट कर लेते हैं भाई, इतना वेट किए तो आगे भी कर लेंगे वेट। अभी मैंने बोला यार एक्सरे लिख दो, दर्द ज़्यादा है, तो बोलता है यार फूला हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, एक्सरे लिखने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो इतना सारा टैबलेट दिया, पेन इन राइट रिस्ट, अच्छा हाँ वो तो हाथ में है, और फिर पैर का भी नहीं लिखा यार, मतलब फुटबॉल खेलते वक्त पैर में लग गया था तो नहीं लिखा भाई। ये लोग मतलब बोलते ना सरकारी एकदम बाहियात होता है यार। तो अभी इतना सारा मेडिसिन है, अपने को मेडिसिन लेना। राहुल तुम्हारा भी मेडिसिन है ना सिर्फ, तो राहुल का देखो गाइज, ये देखो ये राहुल का, राहुल का भी टोटल मेडिसिन लिखा हुआ है।
बस इतना सा अपने को तो भाई मेडिसिन देखो ना यार, इतना सारा कैल्शियम है और क्या क्या पता नहीं, बहुत सारा मेडिसिन है यार। तो फाइनली गाइस अभी अपन लोग जा रहे हैं मेडिसिन लाने के लिए, क्योंकि जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ था ना वहीं पे मेडिसिन भी मिलता है, वो भी फ्री का गाइस। तो मजे से यार सरकारी हॉस्पिटल में अपन लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं फ्री का टैबलेट, कैल्शियम हड्डी मजबूत हो रहा है गाइस अपना। तो कैल्शियम वैल्शियम खाएंगे, हड्डी मजबूत करवाएंगे और फिर तोड़ेंगे गाइस। तो चलो जल्दी से दवा लेते, पहुंचने वाले लाइक पहुंच ही गए यार, बस नंबर में लगना पड़ेगा, यही दिक्कत है, बहुत लंबा लंबा नंबर लगता है गाइस। तो भाई कितना सारा लंबा लाइन है, और इधर लेडीज का है और इधर जेंट्स का, जेंट्स वाला भी कम है थोड़ा, लेडीज वाला तो भाई कूट कूट के भरा हुआ, ठूस ठूस के एकदम। तो यहाँ पे नंबर है, वहाँ पे दवा मिलता है, बस जल्दी से दवा लेते हैं। सो भाई ये देखो मेडिसिन दिया, लास्ट वाला डाइक्लो जेल था, ये वाली डाइक्लो नैक जेल। सो ये वाली एक ये और ये वाली क्या है, दवा का नाम मेरे को पता नहीं, बट देखो भाई गवर्नमेंट देती है ना, इसको सप्लाई करना नहीं होता है, नॉट फॉर सेल, दुकान में नहीं बेच सकता, ये सरकारी फ्री में ही देगा। पैरासीटामोल टैबलेट भाई, फीवर थोड़ी है हमको भाई, पैरासीटामोल क्यों दिया। और फिर ये क्या है, अच्छा ये दिया है ना पैन वाला, ये शायद पैरासीटामोल। ये क्या है, कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट, ये वाली एक है और फिर एक ये है डाइक्लो करके कुछ में भी, हाँ ये डाइक्लो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर कैल्शियम, और फिर ये पैरासीटामोल आखिर मेरे को क्या दिया, पैन 500, पता नहीं भाई ये क्यों दिया मेरे को, एक टैबलेट खाना है। सो यही कुछ है गाइस, अपने को इतना टैबलेट मिला, और फिर ये राहुल को मिला एक एक टैबलेट, सुबह एक एक टैबलेट खाना है और फिर ये जेल लगाना। अपने को भी ये दोनों खाना है, बस एक एक टैबलेट खाना है और फिर ये वाली सुबह शाम दो टाइम टैबलेट खानी है, तो अपना भी सही हो जाएगा। बस यही कुछ मिलेगा जब अपने को मेडिसिन और फिर ये राहुल को। सो फाइनली गाइस अपन लोग डॉक्टर के पास दिखा लिए सारा कुछ, हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन है गाइस, तो अभी से अपना टैबलेट वैबलेट स्टार्ट करनी है। सो डॉक्टर से दिखा लिए अभी हॉस्पिटल में, यहाँ से घर की ओर निकल रहे गाइस। सो अपन लोग सोच रहे वीडियो को यहाँ पे एंड करें। सो फाइनली गाइज आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और फिर देख सकते हो गाइज, देख लिए होगा आप लोगों ने सदर अस्पताल, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, और फिर जो कुछ भी नहीं पता था वो भी आप लोगों को दिखा दिए गाइज, कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होती है, फिर OPD कहाँ पर है, 29, 26 ऐसे करके, तो आप लोग आसानी से आके दिखवा सकते हो गाइज, यहाँ पर कोई लोचाला पाटा नहीं है और सारे हॉस्पिटल की तरह। सो अब यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं गाइज, सो बाय बाय गाइज।